हाँ, अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन पार्थ शितोले ने भेजा है। पार्थ जो शितोले ने भेजा है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट्स हैं। आप वो क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन ग्रुप पे है, तो उसका सोल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, परपेंडिकुलर टैंजेंट्स विल मीट ऑन द डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ पे आप ये जो एलिप्स है ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो इसका हमने ये, लेकिन इसको दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों टेंजेंट्स हैं। तो एक ये टेंजेंट्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं, 0,0 पे। तो 0,0 इसके डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा, और हम अज्यूम कर रहे हैं इस एलिप्स का सेंटर है एक्स कॉमा वाई। ये पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए, तो पहला पार्ट सॉल्व करके बहुत इजीली आ जाएगा। एक्स वाई का डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई करेगा, तो सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस। और रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो सर्कल पे लाई करने वाला है वो हो जाएगा एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा, जो कि पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में उसने पूछा है लोकस ऑफ दी फोकाई। तो फोकस अगर मैं मानता हूँ एक फोकस है एच कॉमा के, और सेंटर को हमने एक्स कॉमा वाई लिया, तो दूसरा फोकस सेक्शन फॉर्मूले से आ जाएगा, क्योंकि एफ वन एफ टू का मिड पॉइंट होगा सेंटर। तो आपने एफ वन को अज्यूम किया एच के, सेंटर आपको बता एक्स कॉमा वाई, तो एफ टू आप अज्यूम कर रहे हो अगर एक्स वन वाई वन, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके एक्स वन प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू एच होगा। तो एक्स वन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2h माइनस एक्स, सिमिलरली वाई वन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2k माइनस वाई। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप यूज करने जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वन पी टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं फोकस से परपेंडिकुलर, दोनों फोकस से, पी वन क्या है पहले फोकस से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, पी टू क्या है दूसरे फोकस से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, तो इसके हिसाब से आपके पास दो इक्वेशन आएंगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एच के एंड द लाइन वाई इक्वल टू जीरो विल बी एच, और ये दूसरा वाला जो एक्स है वो एक्स वन हो जाएगा 2h माइनस एक्स। तो पी वन इंटू पी टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर से यहाँ से आपको मिलेगा एच इंटू 2h माइनस एक्स, ये एच है और ये दूसरा वाला जो है वो एक्स होगा। तो ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीपल, ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है दे आर सिमिलर टू पी वन पी टू, सिमिलरली दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है दे आर ऑल्सो पी वन पी टू। तो ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर के बराबर आएगा, ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर के बराबर आएगा, जिससे आपको दो इक्वेशन मिलेंगी यहाँ से। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एच इंटू 2h माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 या बी स्क्वायर, और k इंटू 2k माइनस वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको x मिलेगा 2h स्क्वायर माइनस 1 बाई 2h, और y मिलेगा 2k स्क्वायर माइनस 1 बाई 2k। ये x और y और वापस इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा। आगे आपको कैलकुलेशन करनी है जो आप खुद कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है। अब x और y इन टर्म्स ऑफ एच के आ गया, मुझे एच के का लोकस चाहिए था। तो x किसके टर्म्स में आया है, एच के टर्म्स में, y किसके टर्म्स में आया है, k के टर्म्स में। ये x और ये y आप कहाँ पुट करने वाले हो इस वाले इक्वेशन में, तो आपका पार्ट टू का आंसर आ जाएगा।